संतोष क्लिनिक जीरकपुर से। ये हैं आरके बख्शी जी जो कि हमारे यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आए थे फर्स्ट टाइम। जब ये फर्स्ट टाइम आए थे तो इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इनकी वाइफ जो है इनको यहाँ पर लेकर आई थी क्योंकि ये चल नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा इनको घबराहट हो रही थी। और इनको जो प्रॉब्लम्स आई थी उस टाइम पर ये था कि इनकी लेग्स में जो थी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी पिछले 5-6 महीने से। इनको जो है स्टूल में ब्लड आता था, एनल रीजन में बहुत ज़्यादा पेन रहती थी और हैवीनेस रहता था और खांसी थी, खांसी के साथ में जो है म्यूकस आ रहा था, बलगम जो है आ रही थी और वीकनेस जो थी वो बहुत ज़्यादा सीवियर थी। और जो लेग्स थे इनको ऐसे लगता था बिल्कुल जैसे लकड़ी की तरह, वुड की तरह बिल्कुल हार्ड थी। उसके बाद जैसे ही इन्होंने ट्रीटमेंट यहाँ से स्टार्ट किया जो कि मैंने इनको होम्योपैथी ही दिया था, विद इन 1 to 2 days ही खुद अपने आप चल कर यहाँ पर आए। अब आप बताइए डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इनकी जो एक हफ्ते की डोज इन्होंने फर्स्ट टाइम जब मुझे दी तो मैंने फिर उसको जब लिया तो लेने के बाद 3 दिन में मैं बेड से उठ के खड़ा हो गया, जो मैं कोई तकरीबन 1 साल से बेड पे था। और खड़ा होने के बाद दूसरी डोज दी तो मैं चलने फिरने लग गया, तीसरी डोज दी तो मैं स्कूटर भी चलाने लग गया और इस तरह से मैं रिकवर करना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने हमें 15 दिन की दवाई दी, फिर 15 दिन की दवाई हमने खाई। उसके बाद फिर हमारे जो लेग्स जो हैं वो इन्होंने ये कहा कि पहले हम आपका हाफ पोर्शन जो ऊपर वाला है उसको ठीक करेंगे, फिर उसके बाद हाफ पोर्शन नीचे वाला हम ठीक करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने हमें दवाई पहले 1 महीने की दी, फिर वो चलती रही तो वो पीरियड जो है वो डॉक्टर साहब इनके आपको बताएंगे। फिर उसके बाद नीचे वाला पोर्शन जो है उसकी दवाई इन्होंने हमें शुरू की तो हमारी लेग्स और ये जो स्वेलिंग थी जो बिल्कुल लकड़ हो गई थी लोहे की तरह, हमें कोई लकड़ से भी मारता था तो हमें पता लगता था कि कोई चोट लगी भी है या नहीं। तो इस तरह से इम्प्रूवमेंट हुई। और उसके बाद खाने का कोई चीज़ किसी चीज़ का हमें दिल नहीं करता था खाने का। हाँ हम आपसे ये सच कह देते हैं कि हमें एक तो हम लिकर बहुत पीते थे और ये सिगरेट स्मोकिंग भी करते थे, लेकिन ये इन्होंने जब हमारे को ये बताया कि ये चीज़ें आपने नहीं खानी हैं, ये चीज़ें का परहेज करना है, तो हमने वो सारी चीज़ें छोड़ दी और कम्प्लीटली 1 साल तक हमने कोई लिकर नहीं पी, कोई नॉन वेज नहीं खाया, कोई स्मोकिंग नहीं की और कुछ नहीं किया। और उसकी वजह से ये हुआ कि हमारी जो रिकवरी है वो इतनी स्पीड अप हो गई कि हम फिर खाने पीने के लायक। लॉकडाउन लग गया कोरोना का हिंदुस्तान में, तो फिर हमने डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब आप इतना, अब तो गवर्नमेंट ने इंजेक्शन भी निकाल लिए रिसर्च करके, तो हमारे पर भी लॉकडाउन जो लगा हुआ वो आप हटाए थोड़ा बहुत ताकि हम भी कुछ खा पी लें। तो डॉक्टर साहब ने फिर हमें थोड़ा बहुत अभी वो कहते नहीं अभी अभी नहीं अभी 1 महीना नहीं, फिर हम फिर 1 महीने बाद हमने कहा तो ये कहते नहीं अभी 1 महीना और नहीं, फिर हमने एक बार फिर कहा तीसरे बार तो इन्होंने ये कहा कि नहीं 1 महीना अभी और रुको। फिर 3 महीने के बाद फिर इन्होंने हमारे पे कुछ लॉकडाउन कम किया और हमें ये कहा कि आप सीख है स्मोकिंग करते हो लेकिन थोड़ी करो, ज़्यादा ना करो, ड्रिंक लेते हो तो बिल्कुल ड्रिंक तो बिल्कुल मत दो, ठीक है। हमने कहा डॉक्टर साहब कुछ बीयर वगैरह ले लें, तो इन्होंने कहा ठीक है आप थोड़ी बहुत ही बीयर ले लो। बाकी ये है कि हमने मतलब कम्प्लीटली स्टार्ट नहीं की जैसे पहले होती थी, तो ये हमारा टेम्परेरीली एक्चुअली मेडिसिंस के साथ में मैंने इनको डाइट फॉलो करने के लिए कहा था कि डाइट फॉलो करेंगे तब भी आप परमानेंटली ठीक हो पाएंगे, क्योंकि ड्रिंक करते थे स्मोक करते थे इसलिए टोटली सब बैन करवा दिया था, बंद करवा दिया था। तो फिर हमने वो चावल खाने छोड़ दिए, फिर सलाद इन्होंने बोला भी सलाद आप खाओ खूब हरे हरी सब्जियाँ खाओ, हमने रोटी छोड़ दी, कणक की रोटी नहीं खाते थे, मड़क मक्की की रोटी खाते थे, साग वगैरह खाते थे और ये दाल राजमा ये सब छोड़ दिए, दलिया वगैरह ये भी हमने छोड़ दिया। इन्होंने कहा दलिया अगर खाना है तो नमकीन वाला खाओ, फिर ये बाकी सारी सब्जियां आप खा सकते हो लेकिन जो बाकी नॉन वेज का है वो आपको अलाउड नहीं, इवन एग तक भी आपको अलाउड नहीं, तो हमने वो भी सब छोड़ दिया। तो अभी तो आपको स्टूल नहीं मतलब स्टूल में ब्लड नहीं आता है ना? अब कोई ब्लड नहीं आता, नहीं तो हमारा जब शुरू में जब था हमारा आधा आधा गिलास ब्लड जो है नीचे से निकल जाता था। स्टूल
स्टूल वाज पासिंग वेरी डिफिकल्ट वे, ऐसे लगता था जैसे कोई हमारी वेन को काट रहा है और हमारे स्टूल तो क्या निकलने थी, ब्लड जो है उसके पिचकारियाँ निकलती थी। तो जो ये हालात थे। एलोपैथिक मेडिसिन भी आप खाते थे पहले? एलोपैथिक मेडिसिन हमने खाई, कई डॉक्टरों के पास गए, हॉस्पिटल में गए, वो कहते जी अल्ट्रासाउंड कराओ, ये कराओ, वो कराओ, सारे टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ, हमने वो सारे करवाए। लेकिन क्या होता था भाई, 5-6 दिन फर्क पड़ा, उसके बाद फिर वही हाल। लेकिन इनके पास जब हम आए तो हमें ऐसा फर्क पड़ा कि आप फर्क पड़ता गया और अब आपके सामने हेल्दी वेल्दी एडवाइस। पहले ये खड़े भी नहीं होते थे, घर से बाहर तक नहीं निकलते थे गेट के बाहर। हाँ जी। और अब चंडीगढ़ पंचकूला सब जगह जाकर आ जाते हैं। हाँ जी हाँ जी। पहले इतनी ज्यादा सीवियर वीकनेस थी, खड़े भी नहीं हो पाते थे, और अब चलते हैं, सब कुछ अपने आप करते, ड्राइव भी करते।